एडवांटन क्रीम और आइटमेंट जिसमें कि मिथाइल प्रेडनिसोन एसीपुनेट साल्ट को ऐड किया जाता है, जो कि एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है जिसे हम स्टीरॉइड भी कहते हैं। और जब भी आप कोई भी स्टीरॉइड कंपोजिशन वाली मेडिसिन लेते हैं तो यह आपकी स्किन पे जो इन्फ्लेमेशन या कोई एलर्जिक रिएक्शन हो रहा था उसे कम करती है, और इसी वजह से इसे डर्माटोलॉजिस्ट रेकमेंड और प्रेफर करते हैं। अगर आपको कोई स्किन कंडीशन प्रॉब्लम जैसे कि फेशियल एक्जिमा हो, अब ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपका जो स्किन का बैरियर है वो खत्म हो जाता है और नीचे से आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव यानी हसास हो जाती है, और इसी वजह से आपको स्किन पर बहुत ज्यादा खारिश होती है, खुश्की हो जाती है, रेडनेस सुर्ख हो जाती है और फ्लैकी नेचर हो जाती है। या अगर आपको एक और बीमारी होती है जिसे हम सोरियासिस कहते हैं, जिसमें आपकी जो स्किन के जो सेल होते हैं वो बहुत ज्यादा रेप्लिकेट कर रहे होते हैं और इस तरह का आपको एक फ्लैकी पैच अपीयर हो रहा होता है। ये इसके अलावा अगर आपको स्किन इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन या इचिंग वगैरह होती हो, या आपकी स्किन पे कोई दाना बन गया हो जिसे हम एक्ने कहते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए आप इस एडवांटन क्रीम या इस साल्ट कंपोजिशन को दिन में एक मरतबा जेंटली अप्लाई कर सकते हैं, और इसके बाद आपने धूप में नहीं जाना होता। और क्योंकि ये स्टीरॉयड इन नेचर है तो आपने इसे लंबे अरसे तक या अपने जिस्म के 10% से ज़्यादा इसे पर अप्लाई नहीं करना होता, वरना आपको सीरियस साइड इफेक्ट्स भी अपीयर हो सकते हैं। और अगर आप प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग है तो उसमें आप इसे हरगिज़ भी इस्तेमाल ना करें।